आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको ये बताया गया होगा कि नाभि के अंदर तेल या घी लगाने के कई सारे फायदे होते हैं। तो ये एग्जैक्ट चीज है क्या? क्या इसके जो बहुत सारे फायदे बताए जाते हैं वो सच में होते हैं? नाभि में तेल लगाने के क्या फायदे हैं? किसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और किसे नहीं लगाना चाहिए? पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में, जो कि आयुर्वेद की संहिताओं में लिखी हुई है। और अगर आप भी सही आयुर्वेद, शुद्ध आयुर्वेद सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका टॉपिक नाभि के ऊपर तेल या नाभि के अंदर तेल या घी लगाना, या अम्बेलिकल जिस ऑयलिंग या ऐसे कुछ जो लोग कहते हैं। चलो सबसे पहले नाभि है क्या? तो भाई नाभि सिंपल सा आपका जो अम्बेलिकल, ये जो रीजन है पेट के यहाँ पर, जो एक गड्ढा सा ये होता है, इसे नाभि कहते हैं। क्लियर? अब इसके क्या इंपॉर्टेंस है, या नाभि क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? तीन से चार चीजें जानना हमें जरूरी होगा उसमें तेल लगाने के फायदे जानने के लिए। सबसे पहला, नाभि एक ऐसा चीज है जो कि दो या कई वायु को एक साथ जोड़ने का काम करता है। कैसे? जैसे हम सभी जानते हैं आयुर्वेद में हर चीज वात, पित्त और कफ के तौर पे डिवाइड की गई है। क्लियर? उसमें वात के पांच अलग प्रकार हैं, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। ठीक है? अब जो प्राण वायु का अगर आप स्थान देखेंगे या एरिया काम करने का देखेंगे तो ये ऊपर से लेकर नाभि तक है। उदान वायु का अगर आप काम करने का एरिया देखेंगे तो पूरा स्थान उदानस्य नासा नाभि गलाश्चरेत, ऐसे श्लोक है। ठीक है? थोड़ा बहुत संस्कृत सुनते रहेंगे तो आपको भी फायदा होगा सही आयुर्वेद समझने में। सो नासा से लेकर नाभि, जो उदान वायु होती है, उदान वायु मतलब क्या? जो वायु ऊपर की तरफ काम करती है, जिसके कारण आप बोलते हैं, आपकी एनर्जी है, ताकत है, बल है, आपकी जो आवाज निकलती है वो उदान वायु है, उसका एरिया भी नाभि आ जाता है। फिर जो व्यान वायु है वो तो पूरी बॉडी में घूमती है तो वो भी यहां पर आती होगी। फिर एक और वायु आती है जिसका नाम है समान वायु। ये समान वायु क्या करती है? आप जो खाना खाते हो उस खाने को लेना, लेकर पचाने का काम करना, पचाने के बाद उसको डिवाइड करने में मदद करना, ये सारी चीजों को जो काम करती है वो आपकी समान वायु करती है, जो कि नाभि के पास ही रहती है। तो आप जो भी खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो, सही टाइम पे निकले, उसके अंदर का नरिशमेंट जो है वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो, ये सारी के सारे काम समान वायु का है, वो भी नाभि से जुड़ा है। और लास्ट जो वायु है जिसे हम अपान वायु कहते हैं, जो वायु नीचे की तरफ निकालने का काम करती है, चाहे वो आपको गैस निकलती हो, यूरिन होता हो, या फिर मल निकलता हो, मासिक धर्म आता हो, शुक्र निकलता हो, नीचे की तरफ से कोई भी चीज जो निकलना है वो अपान वायु का काम है। अब वो बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम, मतलब ज्यादा निकलने लग जाएगा तो तकलीफ, नहीं निकलेगा तो तकलीफ। ठीक है? तो सभी की सभी जो वायु है उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपकी नाभि के आसपास आकर रुकता है। पॉइंट नंबर एक, नाभि इतना इंपॉर्टेंट या इतना कॉमन एरिया है सभी वायु के लिए। पॉइंट नंबर दो, जब हम गर्भ में होते हैं तो गर्भ में जो हमारा शरीर है वो माता से, हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड है या फिर जो नाभि से जाने वाली जो स्नायु है या जो भी वो सिस्टम है उससे हम जुड़े रहते हैं। तो जो हम गर्भ धारण से लेकर डिलीवरी होने तक हमारा पूरे का पूरा जो कनेक्शन माँ के साथ या हमारे माता के शरीर के साथ जुड़ा हुआ होता है वो नाभि के कारण है। तो गर्भ धारण से लेकर जन्म होने तक नाभि का ये रिलेशन बना हुआ रहता है। एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो अलग अलग प्रकार के चक्र कहे गए हैं, स्पेशल जो एनर्जी सेंटर्स बोले गए हैं, ठीक है, सहस्त्रार्थ, मूलाधार, आज्ञा, इस तरह के जो है, उसमें जो मणिपुर नाम का चक्र है, सबसे नीचे मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, वो जो चक्र है उसका स्थान आपकी नाभि होती है। सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें नाभि आके कनेक्ट होती है। इसलिए आपने सुना होगा नाभि हट गई, नाभि हिल गई, इस तरह की बीमारियों में लूज मोशन ये सब होना, वो कहीं ना कहीं वायु से जुड़ी हुई देखने मिलती है। वायु जो कि बॉडी में हर चीज संभालने का काम करती है, आयुर्वेद में जिसे भगवान कहा गया है, उसका एक कॉमन सेंटर या जन्म से हमारा गर्भ धारण से होकर डिलीवरी होने तक वो सारे के सारे सिस्टम नाभि पे आके रुकते हैं। क्लियर? अब जो नाभि में तेल या घी डाला जाता है उसे आयुर्वेद में बोलते क्या है? तो उसके लिए एक शब्द आया है, वो है नाभि पूरण। नाभि और पूरण, नाभि मतलब आप सभी समझ गए अम्बेलिकल एरिया, पूरण मतलब उसे भर देना। जैसे कि आप कान में तेल डालते हैं तो उसे आयुर्वेद में कर्ण पूरण कहते हैं, कर्ण मतलब कान, पूरण मतलब भरना।
वैसे ही नाभि में जब आप तेल या घी डालते हैं, भर देते हैं, तो उसे नाभि पूरण कहा जाता है। ठीक, नॉर्मली इसे लेट के कुछ थोड़ा सा जो नाभि का थोड़ा सा एरिया होता है उसको उसको भर देना, वही नाभि पूरण कहा गया है। तो ऐसा करने से क्या क्या फायदा होगा या किसे करना होगा? तो ये नॉर्मली वात से ज्यादा रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसमें सभी प्रकार की चिकनी चीजें ज्यादा अच्छा काम करती हैं, क्योंकि वात का नेचर क्या है, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिला, ऐसे है। रुक्ष मतलब ड्राई, ये वात का स्पेशल नेचर है। वायु जो होती है, ड्राइनेस या रूखापन या सूखापन, ये वायु की विशेष पावर है। तो जिन भी बीमारियों में आपकी पेट के आसपास ड्राइनेस होती है, समझो कि ड्राइनेस होने के कारण मल में कड़कपन आ रहा है, या ड्राइनेस होने के कारण बहुत ज्यादा गैसेस हो रही है, या रुक्षता होने के कारण वहां पे कट्स हो रहे हैं, स्किन वहां की एकदम टाइट सी होती जा रही है, किसी भी कारण से आपको बहुत ज्यादा गैसेस हो रही है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रही है, तब आपको नाभि में तेल या घी लगाना यूजफुल होगा। किसी भी कारण से अगर आपको जलन हो रही है, पित्त की गर्मी बहुत हो रही है, उन सभी कारणों में, उन सभी प्रॉब्लम्स में आपको ये यूजफुल होगा। नाभि का रिलेशन समान वायु से है, सो अगर आपका आजकल बहुत सारी आपने बात सुनी होगी ना, गट हेल्थ, आपका गट अच्छा है तो ब्रेन अच्छा है, वो घुमा फिरा के किस चीज की बात कर रहे हैं, समान वायु की। तो समान वायु से रिलेटेड बहुत ज्यादा तकलीफ है कि बहुत जलन हो रही है, नाभि के आसपास बहुत गर्मी लगती है या बहुत आग जैसा लगता है, उन सारी कंडीशंस में नाभि में वो तेल या घी लगाना फायदेमंद होगा। वात का एक विशेष नेचर ड्राइनेस है। अब किसी भी प्रकार की ड्राइनेस के कारण आपके होंठ फटने का काम हो रहा है, या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, या पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही है वायु के डोमिनेंसी के कारण, उन सारी कंडीशन में आपको नाभि में तेल लगाना फायदेमंद होगा। तो अगर सार भाग में बोले तो वात और पित्त से जुड़ी कोई भी बीमारी याद आती है, वो चाहे ड्राइनेस हो, गर्मी हो, जलन हो, कट्स पड़ रहे हो, मल का कड़कपन हो गया हो, या फिर गुदा मार के यहाँ पे फिशर जैसी, कट्स जैसी इश्यूज होने की प्रॉब्लम हो गई हो, बहुत ढकार आती हो, इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स में आप वहां पे लोकलाइज्ड नाभि पूरण कर सकते हैं। या नाभि के नीचे की जो भी बीमारियां हमें सुनने मिलती हैं कि मासिक धर्म के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता है, या कई लोगों को यूरिन करते समय बहुत ज्यादा दर्द होता है, मोशन पास करते समय बहुत ज्यादा गैसेस, जलन, इस तरह के इश्यूज होते हैं, वो सारे के सारे लोग नाभि पूरण कर सकते हैं। एक हेल्दी प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस है, लगभग सभी प्रकार के लोगों के लिए चलेगी। किसके लिए ये यूजफुल नहीं होगी? सो जो लोग बहुत ज्यादा फैटी हैं, या जिनको बहुत ज्यादा कफ की तकलीफ है, मल में बहुत ज्यादा चिकनापन आने की तकलीफ है, या बहुत ज्यादा यूरिन होने की तकलीफ जिन्हें होती है, ऐसे सारे लोगों के लिए नाभि पे तेल या घी लगाना फायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, जो भी मोटे लोग हैं, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में फैट एक्सेस हुई है, उसमें भी आप तेल और घी लगाएंगे तो क्या फायदा? अगर ऐसे होता नहीं, हमें तो लगाना ही है तो क्या करें, तो आप में से ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा फैट है या बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो उनके लिए सरसों का तेल एक टाइम पे फायदेमंद हो सकता है। पर सरसों का जो तेल है वो शुक्र धातु को क्षीण करता है, तो कुछ ही टाइम तक यूज करना है। अगर ऐसे लगे कि पेशाब में जलन हो रही है, गर्मी हो रही है, आग जैसा हो रहा है, तब सरसों का तेल इतना ज्यादा नाभि पे लगाना यूजफुल नहीं होगा, या केवल वो 1 से 2 हफ्ते या मैक्सिमम 21 दिन तक लगाना मोर देन इनफ होगा, ऐसे मुझे लगता है। बाकी जो लोग ठीक हैं, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, वो नॉर्मली आप नारियल का तेल यूज कर सकते हैं। वात बहुत ज्यादा डोमिनेंसी है तो वो तिल का या सिसमी ऑयल जिसे बोलते हैं वो यूज कर सकते हैं। बहुत गर्मी लगती है तो वो देसी गाय का घी भी नाभि पे लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। कब लगाना चाहिए? तो आप दिन में कभी भी टाइम पे लगा सकते हो, इसका कोई बहुत ज्यादा नियम नहीं है। पर जो भी तेल या चिकनी चीजें यूज करनी चाहिए, वो खाली पेट यूज किया तो ज्यादा अच्छा बॉडी में होता है। रात को सोने से पहले आप लगा सकते हो, और सुबह जब आप बॉडी का अभ्यंग करने जाओगे, तेल मालिश करने जाओगे, उस टाइम पे आप नाभि के अंदर लिटिल फिंगर से लेकर वो ऑयल लगा सकते हो। दिन में एक बार मोर देन इनफ होगा। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि हर एक एक या दो दो घंटे में आप नाभि पे वो तेल वेल लगाते ही रहो। क्लियर? तो उम्मीद है आप में से जिन लोगों को इस तरह का डाउट था कि नाभि पे तेल क्या लगा, क्यों लगाना चाहिए, क्या फायदे हैं, तो ये सारे फायदे आपको दिखेंगे। सिंपल, वात और पित्त से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें यूजफुल है। कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नहीं है, फिर भी यूज करना है तो सरसों का तेल कफ वालों के लिए एक थोड़ा सेफेस्ट चीज हम मान सकते हैं। और आपको आयुर्वेद के कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट करके आप जरूर सजेस्ट करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।